फाइजर इंडिया करंट लेवल्स में खरीदारी करी जा सकती है, फाइजर लिमिटेड PFIZER। फाइजर तो मुझे देखिए करंट लेवल पे काफी अच्छा प्रेक्षण हुआ है और जो उसमें मोमेंटम इंडिकेटर है वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ से इसमें एक बाउंस आ सकता है, तो लेट मी चेक द फंडामेंटल क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है कि शायद ग्रोथ नहीं था इस कंपनी में, मैंने उसको देखा था हाँ एक स्टैग्नेशन पीरियड था लास्ट के दो सालों में, इस साल थोड़ा ग्रोथ हुआ है लेकिन इसमें प्रॉब्लम देखिए दवा की कंपनियों में जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में प्राइसिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हुए हैं तो ये सारी दिक्कतें हैं, और लेकिन रिटर्न रेशियो अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू नहीं होते हैं, कंपनी ज्यादा जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट होती है अपने सारे मूव में और रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं, सुपीरियर है कंपनी में, केपेक्स भी बहुत छोटा केपेक्स है कंपनी का, तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे अगर मिलता है तो थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, और निचले स्तरों का मतलब है कि यहाँ पे तो लग रहा है कि एक बाउंस होगा, इस बाउंस में आपको हो सकता है कि 4500 तक के भाव में है, लेकिन अभी तक सच कोई सिग्नल्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन मोमेंटम इंडिकेटर की जो बता रहे हैं कि ऊपर चल जाए, फॉर्मेशन वाइज अभी भी स्टिल सम टाइम टू गो, अभी और कंसोलिडेट होगा उसके बाद चलेगा, लेकिन कंपनी अच्छी है तो निश्चित तौर पर एकदम ध्यान रख सकते हैं इस कंपनी।